दोस्तों, क्या आपको भी नट बोल्ट खोलते समय बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है? जैसे कि मैं एक बाइक मैकेनिक हूँ या मान लो एक कार मैकेनिक होता है, तो ऐसे में बहुत सारे नट बोल्ट ऐसे आते हैं जिनमें जंग लग जाता है, जिनको खोलने के लिए हमें बहुत मशक्कत का सामना करना पड़ता है। अब सपोज करो, जैसे कि मैं एक बाइक मैकेनिक हूँ और जब मान लो मैं किसी बाइक के अंदर ब्रेक शू डालता हूँ और जब हम ब्रेक रोड के नट को खोलते हैं तो वो जंग खा जाता है, तो ऐसे में बहुत सारा उसमें जोर लगाना पड़ता है, बहुत टाइम लग जाता है। तो ऐसे में मान लो मैं किसी बाइक के अंदर टाइमिंग चैन डाल रहा हूँ और जो मैग्नेट का नट होता है उसको खोलने के लिए मेरे पास प्रॉपर औजार नहीं है, तो वहाँ भी टाइम वेस्ट होता है। या मान लो मैं किसी बाइक के अंदर क्लच प्लेट डाल रहा हूँ तो उसके नट को खोलने के लिए भी मुझे स्पेशल पुलर की जरूरत पड़ती है। या मेरे पास कोई एक्टिवा आ गई, जुपिटर आ गई, उसके मैं जब रियर टायर को ओपन करता हूँ, उसके नट को ओपन करता हूँ, तो वहाँ पर मुझे खोलने के लिए भी कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। या मान लो मैंने उसके अंदर क्लच शूट डालने पड़ गए या क्लच बेल्ट डालनी पड़ गई और जो वेरिएटर का नट होता है उसको खोलने के लिए भी मुझे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। सो डोंट वरी दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर आया हूँ जिसको चलाकर आप जो है अपनी सभी प्रॉब्लम्स का हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये मेरे पास एक प्रोडक्ट है जो है इंगो कंपनी का। तो चलिए मैं इसकी आज अनबॉक्सिंग करूँगा, इसके बारे में आपको कुछ जानकारी दूंगा, ये कितनी यहाँ पर कामयाब होगी या नहीं आप लोगों के लिए। तो वीडियो दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और इंटरेस्टिंग भी। सो प्लीज़ इस वीडियो को भी से लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर इसकी अनबॉक्सिंग करके। इधर आओ भाई, यहाँ पर दिखाओ। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं, ये मेरे पास इंगो कंपनी की एक इम्पैक्ट रेंच है। तो यहाँ पर चलिए मैं इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ, आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या हमें मिलेगा। यहाँ पर मैंने इसको आज ही यहाँ पर मंगवाया है, तो कुछ देर पहले मैंने इसको ऑर्डर किया था और ये आज मेरे पास आ गई। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर आपको क्या क्या सामान मिलेगा। तो थोड़ा नीचे करो भाई। तो यहाँ पर सबसे पहले ये हमारी प्यारी दुलारी है, येलो कलर की और ब्लैक कलर की। यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं येलो प्लस ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं। ये है इंगो, इंगो कंपनी की यहाँ पर ये एक इम्पैक्ट रेंच है जो होती है ब्रशलेस। यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ब्रशलेस मोटर। तो इसके अंदर ये ब्रशलेस मोटर होती है। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि हमारी मान लो BS6 बाइक आ रही है, ये मान लो आपके पास कोई ड्रिल मशीन है, उसके अंदर आपने जो है छोटे छोटे ब्रश देखे होंगे, जैसे कि हमारी सेल्फ मोटर होती है उसके अंदर ब्रश होते हैं, वो घिस जाते हैं और कुछ समय बाद वो काम करना बंद कर देते हैं। तो इसी तरीके से जैसे कि हमारी स्प्लेंडर BS6 बाइक आ रही है तो उसके अंदर आपको जो है 3 फेस वाले फ्यूल पंप मोटर देखने को मिलेगी, जिसके अंदर आपको ये ब्रशलेस मोटर अब आ गई है, तो वो ख़राब नहीं होती, वही काम इसका होता है। ठीक है, अब यहाँ पर चलो मैं इसको साइड में रखता हूँ। तो यहाँ पर आपको 2 इसमें बटन मिलेंगे, फॉरवर्ड और रिवर्स, आगे पीछे इसको कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अब इसके साथ हमें क्या क्या और मिलेगा। तो सबसे पहले हमें इसके साथ मिलता है एक बैटरी चार्जर। यहाँ पर ये बैटरी चार्जर है, आप इसको बिजली में प्लग इन करेंगे, यहाँ पर बैटरी लगाएंगे और ये चार्जिंग होने लगेगी। यहाँ पर आपको ग्रीन लाइट देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर इसको मैं साइड में करता हूँ। अब ये इसके साथ आपको 2 पावरफुल बैटरी देखने को मिलेगी। यहाँ पर ये देखिए 20 वोल्ट की जो ये बैटरी है, 2.0 एम्पेयर मैक्सिमम यहाँ पर ये देख सकते हैं 2 एम्पेयर की ये बैटरी होती है। और यहाँ पर ये बटन प्रेस करेंगे तो आपको इसके पीछे 3 ग्रीन लाइट देखने को मिलेंगी। यहाँ पर देख सकते हैं फुल बैटरी, हाफ बैटरी और ये कुछ परसेंट बैटरी आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर बटन प्रेस करेंगे तो उससे आप देख सकते हैं बैटरी अभी कितनी चार्जिंग है। तो यहाँ पर इसको आप ओपन करेंगे तो ये यहाँ से कवर रिमूव हो गया, ये बटन है यहाँ पे, ये दबाएंगे तो नीचे लग जाएगी। अब ये कैसे लगेगी मैं आपको दिखाता हूँ, आपने ये बटन प्रेस करना है और ये इसमें ऐसे लग जाएगी। तो यहाँ पर ये हमारी इम्पैक्ट रेंच काम करेगी। ये इसमें 2 बटन हैं और यहाँ पर इसमें LED आप देख सकते हैं, ये जलता हुआ आपको दिखाई देगा। तो ये हो गई। अब इसके साथ जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया 2 बैटरी मिलेगी, जब कुछ महीने हो जाएं तो आप इसको बीच बीच में चार्जिंग लगाते रहें या आप इसको बीच बीच में जो है यूज़ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसके साथ आपको एक हुक मिलेगी, आप इसको कहीं पे भी टांग सकते हैं, ये हुक आप दोनों साइड में कहीं भी लगा सकते हैं। यहाँ पर आप ये इसमें होल देख सकते हैं, इसके अंदर नट लगा हुआ है तो इसके अंदर जो पेच है ये इसमें ऐसे लग जाएगी जब आप इसको कहीं भी यूज़ करेंगे। और यहाँ पर ये एक यूज़र मैनुअल है और ये इसके साथ एक बिल, तो इसको मैं साइड में रखता हूँ। और इसके साथ हमें क्या क्या मिलता है, यहाँ पर आपको इसके साथ ये 17 mm, 19 mm और ये 21 mm की जो है रोड गोटी मिलती है, जो इसके साथ ये सॉकेट होते हैं। और इसके साथ आपको क्या मिलेगा, इसके साथ आपको मिलेगा एक कैरी बैग, इसकी ये बहुत ही मजबूत है, इसको आप कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं, इसको मशीन को ले जाकर या अपने चाबी पानों को इसमें डाल के आप कहीं पर भी ले जा सकते हैं। तो अब बात करता हूँ इस इम्पैक्ट रेंच की। देखिए दोस्तों,
यहाँ पर इसके साथ जो सॉकेट आपको मिले हैं, अब आपके मन में एक सवाल ना रहे कि यहाँ पर देखिए ये इसके साथ ऐसे लग जाएगी जब आप इसका यूज़ करेंगे। देखिए तो यहाँ पर जब आप इसका यूज़ करेंगे तो इसको ऐसे लगाएंगे तो ये ऐसे नहीं निकलेगी, तो इसको आप यहाँ पर इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरी बात, यहाँ पर जैसे कि मैंने इसको निकाल दिया, जो आपके पास आपके टूल के साथ ये सॉकेट मिलते हैं क्या या इसमें लगती है नहीं? जी हाँ, ये भी इसमें लगती है, देख सकते हैं ये इसमें ऐसे लगेगी। तो ये जो है सभी में काम करेगी जो आपके पास ये यूनिवर्सल सॉकेट होते हैं। तो यहाँ पर 21mm, 19mm, 17mm, 12, 14 कोई भी होता है आप इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी बहुत सारी खासियत है, तो सबसे पहले ये कोई भी हैवी से हैवी नट बोल्ट को आसानी से खोल देती है। तो यहाँ पर इसकी में दो बटन आपको देखने को मिलेंगे, ये आगे वाला और ये पीछे वाला, दो एरो के निशान है, तो इससे आगे पीछे आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि हमने इसको नॉर्मल मोड में चलाना है तो यहाँ पर ये इसमें लो का बटन आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आगे ये सिर्फ आगे ही काम करेगा, ठीक है, लो और हाई स्पीड में। और मैं इसको दबाऊंगा तो ये लाइट ऊपर वाले पर पहुंच जाएगी और यहाँ पर ये इसकी फुल स्पीड हो जाएगी, ठीक है। और जब हम इसको नॉर्मल जैसे कि सक्रिय होते हैं उनको टाइट करने के लिए, या फिर छोटे जैसे 8mm के, 10mm के जो नट या बोल्ट होते हैं उनको टाइट करने के लिए यहाँ पर इस मोड में इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। और जब आप इसको रिवर्स में करेंगे ना, रिवर्स में तो ये पूरा ही काम करेगी, तो ये यहाँ पर झटके के साथ जो है किसी भी जाम से जाम नट बोल्ट को आसानी से खोल सकती है। यहाँ पर ये झटका मार दिया, देखिए क्योंकि इसके अंदर जो है एक इम्पैक्ट होता है, जो हैमर होता है एकदम से इनको खोल देती है, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये इसमें आपको ब्रशलेस मोटर मिलेगी, और दूसरा यहाँ पर ये बटन आपको मिलेगा, और यहाँ पर ये इसमें आप इसके बैटरी की पावर को देख सकते हैं, इसके अंदर कितनी चार्जिंग बची हुई है। तो यहाँ पर कोई भी नट बोल्ट होता है आसानी से ये खोल सकती है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि आपके पास स्कूटर आ जाए, कोई एक्टिवा आ गई, जुपिटर आ गई, या जैसे कि हम क्लच के नट को खोलते हैं या फिर मैग्नेट के नट को खोलते हैं, कोई भी होता है नट बोल्ट, ये उसको आसानी से खोल देती है क्योंकि इसका काम हो यही होता है। तो यहाँ पर हमें अलग से जैसे कि पुलर लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हम मान लो जैसे कि मेरे पास हीरो स्प्लेंडर प्लस आ गई, मैंने क्लच प्लेट डालनी पड़ गई, और जब मान लो इसके बैलेंसर को हम रोकते हैं किसी पुलर के द्वारा या इसके क्लच को रोकते हैं, तो वहाँ पर हमें अलग से जो है वो पुलर लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो है एकदम छटके के साथ किसी भी नट बोल्ट को आसानी से खोल देती है, तो ये बहुत ही पावरफुल है। तो यहाँ पर दोस्तों, अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इसको अमेजोन से परचेज कर सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरी बात, आप सोच रहे होंगे कि आपके पास तो पहले भी एक थी, तो यहाँ पर दोस्तों मेरे पास पहले वाली भी है, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये मेरे पास पहले वाली है जो अभी भी काम कर रही है, देख सकते हैं, ठीक है। और ये काली हो चुकी है क्योंकि आपको पता है कि हमारे हाथ काले हो जाते हैं काम करते हैं, तो औजार तो काले होंगे ही। तो यहाँ पर ये जो है मेरे पड़ोसी ने जो है देख के मुझसे मंगाई है, थोड़ा दूर रहता है वो, तो उसने बोला कि आप मेरे लिए एक ऑर्डर कर दो, तो ये इम्पैक्ट रेंच मैंने उसके लिए ही यहाँ पर ऑर्डर की है। तो यहाँ पर आप अगर इसके दीवान हैं, इसको ख़रीदना चाहते हैं, तो इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इसको अमेजोन से परचेज़ कर सकते हैं, ये बहुत ही पावरफुल है। और जिन भाइयों ने इसको पहले ही परचेज़ किया हुआ है मुझे बता देना उनको इसका कैसा रिजल्ट मिल रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक छोटी जानकारी थी इस इम्पैक्ट रेंच से लेकर जो मैंने आपको जानकारी दी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अगर पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।